इसका एंट्री गेट है, तो नीचे पूरा गेमिंग सेटअप है और पूरा राउंड राउंड घुमाते हैं ये लोग। कितना खतरनाक बना हुआ है ओ तेरी अब पता नहीं है इसको क्यों बना के रखा है, इस लेक बना के रखी है छोटी सी यहाँ पर, तो बहुत बड़ा है गोरिल्ला बैठा के रखा है ओ तेरी वेलकम है गाइज आपका एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम आए हुए हैं साउथ सवैया नाम की एक जगह पे, जहाँ पर ओपन हुआ एक नया नवेला पार्क जिसका नाम है साउथ सवैया पार्क, जहाँ पर है ढेर सारी एक्टिविटीज जिनको आज के इस व्लॉग में हम कवर करेंगे। और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, क्या इसकी टाइमिंग है, क्या इसकी एंट्री फीस है, ये सारा कुछ आगे इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इस पार्क के अंदर और देखते हैं यहाँ पर अभी क्या माहौल है। ओके, चलो पहले हम यहाँ पर जो आसपास का जो एरिया है वो हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे इस पार्क के अंदर। ओके, इसके पास का ये कुछ एरिया है जहाँ पर ये है वेयर हाउस मॉल, जहाँ पर ऑलरेडी मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ इसके इस मॉल का। और यहाँ पर आसपास में ही ये कुछ यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है साउथ सवैया पार्क का नाम लिखा है, और भी बहुत जैन का लिखा हुआ है नाम, और भी जो भी यहाँ के स्पॉन्सर्स हैं उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। चलो यहाँ पर जो इसका एंट्री गेट है वो साइड में चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं इसका एंट्री गेट कैसा है और अंदर जाने के बाद में यहाँ पर कैसा क्या यहाँ पर सब कुछ बनाया हुआ है। ओके, तो भाई लोग ये है इसका मेन एंट्री गेट, जहाँ पर अभी यहाँ पर लाइन लगी है, एंट्री चालू होने जा रही है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की जो है लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, लाइन में जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ से जो है एंट्री करेंगे। ये इसका एंट्री गेट है। कृपया ध्यान दें कि इस गेट पे हम जैसे ही पहुंचे तो सिक्योरिटी बाबू ने हमारे हाथ में कैमरा देखकर हमें अंदर जाने से मना कर दिया। तो बड़ी मिन्नतों के बाद फिर हमने सिक्योरिटी बाबू को राजी किया, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त ये थी कि अगर हम इस कैमरे का उपयोग करते हुए इस पार्क के अंदर मिले तो सिक्योरिटी बाबू सीधा हमको कोर्ट में मिलेंगे। तो आगे का जो व्लॉग है वो बहुत ही रिस्की व्लॉग है, तो इसी बात पे एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर हम इस व्लॉग को शूट कर रहे हैं। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं ये जो पार्क है ना, यहाँ पर अंदर में आ चुके हैं और यहाँ पर जो हमको सीन देखने को मिल रहा है वो सेम टू सेम हमको जैसे हम लोग पहले केलैंड में गए हुए थे और विंटर वंडरलैंड में गए थे, सेम टू सेम हमको यहाँ पर वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरह की राइड्स हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हर किसी के लिए अलग अलग टाइप की यहाँ पर राइड्स हैं। ये यहाँ पर छोटी छोटी मैं आपको येलो एंड वाइट टाइप की जो शॉप दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर खाने की फूड की शॉप है, जहाँ से आप अलग अलग तरह के फूड लेकर के यहाँ पर आराम से बैठ करके आप खा सकते हैं। भाई लोग ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर थोड़ा हमको कुछ नया चीज़ देखने को मिला। इसके अंदर जो है ना वहाँ पर एक बड़ा गेम चल रहा, बड़ा यानी बॉलिंग गेम जो होता है ना, जो मैंने आपको पहले एक बार दिखाया था एक मेरे एक व्लॉग में, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ बॉलिंग गेम के बारे में। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है बॉलिंग बॉलिंग एयर हॉकी, यानी बॉलिंग गेम जो होता है ना वही यहाँ पर अंदर में है। देखते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ पर क्या है सीन। भाई साहब कितना बड़ा बना के रखा है, पूरा एक स्टेडियम टाइप का बना के रखा है। इसके अंदर भी अलग अलग तरह के गेम हो रहे हैं। देखो पूरा ऊपर जो है स्ट्रक्चर बना के रखा है, यहाँ पर ऊपर में लाइट लगी है और नीचे पूरा गेमिंग सेटअप है। ये यहाँ पर सेटअप लगा है गेम का, 8 बॉल जो होता है ना, 8 बॉल वाला गेम जो मैंने मोबाइल में काफ़ी देखा है, बहुत लोग खेलते हैं, तो वो यहाँ पर पूरा सेटअप लगा है 8 बॉल वाला। ये पूरा इसका टेबल है जहाँ पर 8 बॉल वाला जो गेम होता है वो यहाँ पर होता है। ये है वो बॉलिंग गेम जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, वो है, ये है इसका वो सेटअप पूरा, ये बना हुआ है यहाँ पर जो है इसका बॉलिंग गेम होता है। इसका मैं आपको व्लॉग में भी एक बार मैं दिखा चुका हूँ मैजिक मॉल में जब मैं गया था। ओ भाई लोग ये जो गेम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक गेम होता है। देखो एकदम से ऊपर लेके जाएगा फिर एकदम से नीचे लेकर के आएगा और पूरा राउंड राउंड घुमाते हैं ये लोग, पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा टावर टाइप का बना के रखा है, ये नीचे तक है और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे आपको और ऊपर से एकदम से नीचे ऊपर लेकर के आएंगे। यहाँ पर एक हॉरर हाउस बना के रखा है जहाँ पर देखो ये कुछ एक मुंडी लगी हुई है और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ एक हाउस है जिसके अंदर हॉरर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसके अंदर हो रही हैं। ये जो हॉरर हाउस है ना इसके अंदर अगर आपको जाना है तो इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, उसका टिकट काउंटर वहाँ पर है, तो वहाँ पर आप स्कैनिंग करना पड़ेगा बार कोड, उसके थ्रू आप यहाँ पर इसके अंदर जा सकते हैं। ये अभी सबके साथ में फ़ोटो खिंचा रहा था अभी अंदर पहुँच गया, देखो
अरे बाप रे यार, कितना खतरनाक बना हुआ है ये हॉरर हाउस जो है ना, इसके अंदर ये सब अलग अलग लोग जो है, अलग अलग तरह के जो है। एक अंदर वो बैठा हुआ है जो मैंने आपको अभी दिखाया था, एक वो अंदर बैठा हुआ है और एक ये है। ओके सो गाइज, अभी मैं आपको ये जो साउथ सवैया पार्क है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। सो यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिनमें आपको अलग अलग तरह की राइडिंग्स, अलग अलग तरह के गेम्स और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना के रखा है। और यहाँ पर डे एक दिन में 10,000 लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं एक दिन में। और रही बात इसकी जो एंट्री टिकट प्राइस है, वो यहाँ पर एक बंदे का 1 person 5 KD यहाँ पर एंट्री टिकट प्राइस है। यानी आपको अगर इसके अंदर आना है तो यहाँ पर आपको 5 KD 5 दिनार इसका टिकट लेना पड़ेगा अंदर आने के लिए। और इसका जो टिकट बुकिंग है वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो इसका जो टिकट बुकिंग करने का जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको फॉलो करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, और इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 3:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक ओपन होता है हर दिन। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से सेपरेट जो है बना के रखा हुआ है, जहाँ पर अलग अलग तरह के बच्चों के लिए गेम्स हो रहे हैं। और यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, ये सब कुछ टोटल ऑल टोटल अरबिक में लिखा है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। सबसे खतरनाक एक्टिविटी है भाई साहब, ये स्पेस मिशन इसका नाम है ये एक्टिविटी का। ये एक्टिविटी तो यार मैंने कभी भी नहीं देखी, पहली बार देख रहा हूँ। कहीं केलैंड में नहीं था ये, विंटर वंडरलैंड में था, कहीं नहीं था, ये यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। अभी ये इसके अंदर दो लड़के बैठे हैं, कोई तीन लड़के बैठेंगे इसका, देखते हैं इनका क्या हाल होता है, ऊपर लेके जाएंगे एकदम से। और बगल में ये देखो चल रहा है, इसमें सबकी चीखें निकल रही भाई साहब, ये भी बहुत खतरनाक एक्टिविटी है। इसी के बगल में यहाँ पर ये वाला है, ये कोई तीन दो लड़के बैठे हुए हैं, इनको देखते हैं आराम से। देखो वो बॉल के अंदर दो सीटें हैं और उसमें आराम से बैठाते हैं, एकदम से ऊपर लेके जाएंगे, देखना भी, देखते हैं इनका क्या हाल होता है। ओ तेरी माय गॉड, कितना खतरनाक गेम है यार ये, पूरा बॉल की तरीके से हवा में ही घुमा दे रहा है। आप में से किसी ने भी अगर इस एक्टिविटी को किया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैंने तो किया नहीं है और ना ही कभी करूंगा इतनी खतरनाक एक्टिविटी। ये इतना खतरनाक गेम है उसके बावजूद यहाँ पर देखो कैसे ये कोयती लोगों की लाइन लगी हुई है पूरा। तो ये जो मैं अभी आपको एक गेम दिखा रहा हूँ, इसका नाम है बास्केटबॉल। इस तरीके के यहाँ पर अनलिमिटेड गेम लगे हुए, अलग अलग तरह के स्टोर लगे हुए हैं, जिसमें आप अगर इसको खेलेंगे तो खेलने के बाद में ये जो गिफ्ट है, इस तरीके से यहाँ पर हर स्टोर में अलग अलग तरह के गिफ्ट हैं, तो इसमें आप अगर जीतेंगे तो ये इनमें से आपको ये कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह के यहाँ पर स्टोर लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग जो है गिफ्ट मिलेंगे अगर आप जीतेंगे तो। और हर एक्टिविटीज़ के यहाँ पर अलग अलग प्राइस हैं। सो ये जो ग्राउंड है ना, ये मुझे देख करके थोड़ा सा यहाँ पर अलग चीज़ मुझे देखने को मिली यहाँ पर, ये चीज़ मुझे पहले यहाँ पर कहीं भी नहीं मिली। अब पता नहीं इसको क्यों बना के रखा है, इसका जो सिक्योरिटी गार्ड उससे मैंने पूछा तो उसने भी कुछ मुझे नहीं बताया इसके बारे में, उसको खुद नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि ये एक हिसाब से थोड़ा सा बना के रखा है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप आकर के दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम यहाँ पर आप आराम से बैठ करके चिल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आकर के बैठ करके फोटो खिंचा सकते हैं। और यार भाई लोग, यहाँ पर देखो एक बहुत ही खूबसूरत लेक बना के रखी है छोटी सी यहाँ पर। तो भाई लोग ये जो लेक बना के रखे हैं, यहाँ पर दो ब्रिज छोटे छोटे बना के रखे हैं, जहाँ पर अभी मैं गया था वहाँ से आप चढ़ोगे तो यहाँ पर आप आराम से फोटो खींच सकते हो। यहाँ पर पूरा अच्छा सिस्टम बना के रखा है यार ये लेक का। और इसी में ये पहला ब्रिज ये रहा और दूसरा ब्रिज ये है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। और ये पूरा ऑल टोटल ये छोटा सा एक लेक बना के रखा है, जिसके अंदर बोटिंग भी हो रहा है। वहाँ पर वो बोटिंग एरिया जहाँ पर देखो बोटिंग हो रहा है।
सो गाइस ये देख लो, ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है जंगल रिवर एक्टिविटी, जहाँ पर देखो ऊपर जो है पूरा नाव में बैठाएंगे और पूरा ऊपर से नीचे तक लेकर के जाएंगे। यहाँ पर बीच में बहुत बड़ा एक गोरिल्ला बैठा के रखा है और वहाँ पर वो देखो रिवर चल रहा है, नहर ऊपर से पानी आ रहा है। तो भाई लोग अभी मैंने आपको जितनी भी एक्टिविटीज दिखाए वो सब एक से बढ़कर एक अच्छी है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा वो यार हमको लग रहा है सबसे खतरनाक एक्टिविटी है यहाँ पर राइडिंग, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वो कुछ एक्टिविटी जिसके मैं बात कर रहा था, इसका यहाँ पर नीचे में नाम लिखा हुआ फास्ट ट्रैक, और इसको हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर इसका पूरा एक बायोडाटा लिख के रखा है, कौन कौन से लोग किस टाइप के लोग इस राइडिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लेडीज लोग जो होती ना प्रेग्नेंट वो नहीं कर सकती, जो दिल के मरीज हैं वो नहीं कर सकते, या जिनको जो है बॉडी पेन रहता है वो लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। पूरी डिटेल दिया है किस टाइप के लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं, और आपकी हाइट जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यू मस्ट बी दिस टॉल टू राइड, यानी ये हाइट आपकी होनी चाहिए तभी आप इस एक्टिविटी को इस राइडिंग को कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये स्टार्ट भी हो गया भाई साहब, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो धीरे धीरे लेकर के जाएगा, उसके बाद ऊपर से एकदम से छोड़ेगा, ये छुटा और सबकी चीखें निकलेंगी भाई साहब, ओ तेरी उल्टा सीधा पूरा घुमा देता है सांप के जैसा। ओ माय गॉड, ओके सो गाइज आज का जो हमारा व्लॉग है इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग था वो ये जो साउथ सबैया पार्क है ना इसके बारे में था। सो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप यहाँ पर आ करके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक लेक है जिसके अंदर आप बोटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा अलग अलग तरह की बच्चों के लिए बड़ों के लिए हर किसी के लिए यहाँ पर राइड्स एंड एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप उनको कर सकते हैं, गेम भी है बच्चों के लिए और भी बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। ओके सबसे अच्छी और जो यहाँ पर अलग चीज़ हमको देखने मिली वो यहाँ पर ये जो लेक बना के रखी है रिवर वो था, और इसके अलावा और भी यहाँ पर जो राइड थी जैसे वो मैंने आपको दिखाया था जो बॉल जो स्पेस गेम जो था ना वो एकदम ऊपर भाई साहब लेकर के जा रहा था, एकदम से छोड़ दे रहा था, वो मुझे अच्छा लगा, वो पहली बार मैंने देखा। उसके अलावा यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक वाला जो एक राइडिंग थी वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो ये कुछ यहाँ पर आज के व्लॉग में हमने आपको दिखाया। सो चलो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और व्लॉग अगर आपको यार अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं हम आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय।